साथियों, आपका मित्र नरेंद्र जोशी। साथियों, आज एक ऐसी मन की बात आई जिसके साथ मैं खुद का वीडियो अटैच करना आज बहुत ही महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ। साथियों, आज मेरे इस एक मिनट की क्लिप के बाद एक ऐसे व्यक्ति की क्लिप आपको दिखाई देगी, वीडियो क्लिप दिखाई देगी, उनके मन की बात दिखाई देगी। चूंकि आप उसे मन की बात के रूप में नहीं बल्कि एक विधिक कानूनी उपचार के रूप में देखें। साथियों, ये मन की बात है महाराष्ट्र चंद्रपुर के रहने वाले माननीय श्रीमान डॉक्टर साहब स्वप्नदास जी, एक सीनियर सिटीजन जिनकी आवाज में जितनी ठंडक है, जितनी शांति है और जितनी शांत तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन एक एक विकल्प है कि किस रूप से आदर्श की सोसाइटी को रेगुलेट किया जा सकता है, किस रूप से सोसाइटी का पैसा लुटाया जा सकता है और आखिर पहले ऐसे क्या उदाहरण रहे। तो साथियों, मैं आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं कहूंगा कि आज के मन की बात को पूरे दिल से सुने और यही कहना चाहूंगा, क्या 21 लाख निवेशकों के मन से इस प्रकार की आवाज क्यों नहीं आ पाती है। और चाहता हूं मैं कि ये मन की बात एक सीनियर सिटीजन के रूप में निकली है, एक प्रसिद्ध डॉक्टर साहब के मुंह से निकली है जिनका नाम है स्वप्नदास जी, जिनके कलम की धार वो है कि अखबारों में उनके कॉलम छपते हैं और कई बार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में उनके लेख भी अखबारों में छपे हैं। श्रीमान डॉक्टर स्वप्नदास जी को तहे दिल से, चूंकि एक पिता की उम्र के हैं, तहे दिल से मैं उनके चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद चाहूंगा और चाहूंगा 21 लाख निवेशकों की दुआओं के साथ हम उस मंजिल को फतह करें जिस मंजिल को पाने का सपना 21 लाख निवेशकों का है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर स्वप्नदास जी की जो क्लिप है वो मन की बात नहीं, मैं ये कहूंगा एक सुंदर संदेश है 21 लाख निवेशकों के लिए, एक सुंदर संदेश है सरकार के लिए, एक सुंदर संदेश है प्रशासन के लिए। तो साथियों, इसी प्रकार अपनी मन की बात आप भेज सकते हैं हमारे चैनल पे, और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन एक निवेदन करूंगा आपको कि जनहित से जुड़ी श्रीमान डॉक्टर स्वप्नदास जी की इस मन की बात को आप तुरंत ही इसको वायरल करें, शेयर करें हर निवेशक तक। कल सवा 125 करोड़ निवेशकों के फोन तक यह संदेश पहुंच जाए, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे, क्योंकि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो उन्होंने इस क्लिप के अंदर छोड़ा है। क्योंकि मैं ढेरों बातें करता हूं आपसे, ढेरों बात करता हूं, लेकिन कम शब्दों में उन्होंने हजारों बात कह दी, एक ग्रंथ लिख दिया, एक इतिहास लिख दिया। तो साथियों, पूरी तरीके से सुने, आपसे निवेदन है मेरा, और जनहित में इस क्लिप को, इस पोस्ट को तुरंत शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि 21 लाख निवेशकों के हितों से जुड़ी हुई खबरें हम आपके सामने बेबाक रूप से प्रस्तुत कर सके। और ऐसे ही वीडियो आमंत्रित करता हूं मैं आपके। तो इसी के साथ शुरू होती है श्रीमान डॉक्टर स्वप्नदास जी, जो एक मशहूर लेखक है और जिनकी बहुत ही प्यारी और सटीक आवाज है, उनको जरूर सुने। तो शुरू करते हैं हम श्रीमान स्वप्नदास जी की आवाज, सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर स्वपन कुमार दास, चंद्रपुर महाराष्ट्र से। इसके पहले एक वीडियो मैं भेज चुका हूँ, दूसरी बार इसलिए भेजना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ साथी अभी भी गलत फहमी में जी रहे हैं। हमारे 4 लाख अभिकर्ता यानी कि एडवाइजर है और करीबन 21 लाख सदस्य यानी कि शेयर होल्डर है। करोड़ों अरबों रुपए हमारे फंसे हुए हैं। इस विषय में काफी दिनों से हम लोग मिलकर कुछ राहत पाने की कोशिश कर रहे थे। एवाट के सदस्यों ने श्रीमान एडवोकेट नरेंद्र जी जोशी से मिलकर PIL दाखिल कर दिया है। PIL मंजूर भी हो गई है, परंतु दुख की बात है कि हमारे कुछ साथी अभी भी आंख बंद किए बैठे हैं। केवल 250 रुपये देकर सदस्यता लेना भी नहीं चाहते। इससे होगा यही
कि जो लीडर्स है जो आगे जाकर काम कर रहे हैं उनका मनोबल गिरेगा और इससे सभी का नुकसान होगा। इसलिए मैं सभी एडवाइजर से विनती करता हूँ कि हम 100% लोग अवार्ड के सदस्य बन जाए, उतना ना सही, कम से कम 50%, 60% लोग तो इसके सदस्य बन ही सकते हैं। हमारे ऊपर में जो आपत्ति आई है वो बिना कारण है, मानव निर्मित है, इसकी कोई उपयोगिता मुझे दिखाई नहीं देता। इतने सालों तक आदर्श ने सभी को सही समय पर पेमेंट किया, मैच्योरिटी का भुगतान किया, केवल एक न्यूज के आधार पर जितनी भी जांच एजेंसियां है आदर्श के ऊपर हाथ धोके पड़ी हुई है। हमारे चंद्रपुर में कुछ कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटियां इस प्रकार अनियमितताओं की शिकार हो गई थी, जिस पर प्रशासक बिठाया गया था और कुछ ही दिनों में जब समस्या का हल हो गया, निराकरण हो गया, तो प्रशासक चले गए, यानी कि गवर्निंग बॉडी को अधिकार सौंपकर प्रशासक चले गए और गवर्निंग बॉडी ही उस सोसाइटी को, उस कोऑपरेटिव बैंकों को चला रही है। हमारे इस सोसाइटी का भी केंद्रीय रजिस्टर चाहे तो केवल 2-4 लाइन का एक आदेश पारित कर सकते हैं। सभी जिले के सब रजिस्टर को ये अधिकार है, ये प्रशासक बिठा सकते हैं। सरकार इतनी सक्षम है, सरकार के पास इतनी अधिकारी मौजूद है, ये चाहे तो कभी भी सोसाइटी को चालू कर सकते हैं। गौर करने लायक बात यह है, SOG, ED, इनकम टैक्स, सेंट्रल रजिस्टर, CBI, जो भी है, सारे लोगों का एक ही मकसद है कि सोसाइटी को कैसे बंद किया जाए और पीड़ित का जो पैसा है वो डूब जाए। यह तरीका गलत है, पैसा कहीं ना कहीं तो है और जो पैसा लोगों को ऋण रूप में या लोन के रूप में दिया गया है, उन पैसों की वसूली पर रोक लगाना एक भयावह स्थिति की जन्म दे रही है, क्योंकि वो पैसा आगे फिर कभी वसूल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द उन पैसों की वसूली करवाई जाए। रजिस्टर, ED, SOG चाहे तो इस प्रकार कोऑपरेट कर सकते हैं, सहकार्य कर सकते हैं। इन लोगों की नज़र केवल कानून के पेचीदगियों पर है, इनकी नज़र 21 लाख निवेशकों के तरफ बिल्कुल नहीं है। लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इसलिए इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। हालांकि PIL का रिजल्ट जल्द से जल्द लगने की उम्मीद है। इस विषय में पेपर में मेरा एक प्रेस नोट भी छपा था, सरकार चाहे तो 2 मिनट में इस समस्या का समाधान कर सकती है। सरकार एक बड़ा सा फंड हमारे लिए मुहैया कराए और प्रशासक की नियुक्ति करा कर जो भी पेमेंट बकाया है तुरंत वो पेमेंट देकर हमारे सदस्यों की जान बचा सकती है। सरकार के पास अधिकार है, बाद में सरकार धीरे धीरे वह पैसे सोसाइटी के संपत्तियों को बेचकर निकाल सकती है। यह काम बहुत कठिन
भी नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है, हमारे जनप्रतिनिधि भी अगर जोर लगाए तो यह काम बहुत कठिन नहीं है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे वकील साहब का, हमारे अवार्ड के सभी सदस्यों का हाथ मजबूत करने के लिए सभी के सभी अभिकर्ता एडवाइजर्स इसकी सदस्यता मेंबरशिप अवश्य लें, ताकि हमारी गाड़ी चलती रहे। समय लगेगा जरूर, लेकिन देर है पर अंधेर नहीं, हमें न्याय अवश्य ही मिलेगा, हमारा पैसा सूद समेत मिलेगा। इस बात की आप बिल्कुल तसल्ली रखें, इतना ध्यान में रखिए कि सभी का सहयोग जरूरी है। हम सहयोग करना तो नहीं चाहते, लेकिन प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़ा करके सदस्यों को, अधिकारियों को परेशान करते हैं। कृपया, पहला प्रश्न यही है कि आप मेंबर बने हैं या नहीं, जल्द से जल्द मेंबर बन जाइए और इस काम में हाथ बटाइए। जय हिंद, जय आदर्श। धन्यवाद।